नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो आज की वीडियो में फाइनली दो तीन लोगों ने इतने कमेंट्स किए ऑटोमैन बनाने के लिए, मैं एकदम मतलब मुझे बहुत झेप रही थी मैं कि कितने दिनों से आप लोग कह रहे हो, तो आज आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि एकदम कम बजट में बढ़िया मजबूत टिकाऊ ऑटोमैन आप लोगों के लिए बना सकूँ, जो कि आप लोग यूज़ कर सको और आप लोगों के लिए यूजफुल हो। बहुत मुश्किल से एक पेंट का डिब्बा मिला है मुझे, वो भी मेरी मम्मी ने जो है दो तीन साल पहले किसी सामान को करके दिया होगा, तो वो लाके सामान तो मैंने अपने डिब्बे में रख लिया, उसको ऐसे ही स्टोर रूम में फेंक दिया था, बट जस्ट देखा मिल गया तो फिर चलिए वो मेरे आज काम आ जाएगा और बढ़िया बनेगा। देखिए कैसा बनेगा वो आप बताइएगा, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा बनाऊँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये छोटा सा जो है पेंट का डिब्बा मिला है। आपके पास बड़ा है तो आप बड़ा ले सकते हैं, मैं एक और बहुत थोड़ा और बड़ा मैं आपको दिखाऊंगी दूसरा पार्ट बना के। पहले पार्ट में मैं आपको ये बता दूंगी, पहले छोटा सा बना के। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके ड्रेसिंग टेबल है तो उसके स्टूल के लिए यूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगी कि एक ही ऑटोमैन को आप कैसे थ्री वेज में यूज कर सकते हैं, मतलब जब मन करे इसको आपने प्लांटर बना लिया, कभी मन किया तो इसको टेबल की तरह डेकोरेट कुछ भी फ्लावर या कुछ भी रख के डेकोर करने के लिए यूज कर लिया, या फिर ऑटोमैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए क्या, ये रस्सी मैंने ऐसे जहाँ पे वो रस्सी वस्सी मिलती है जो गैया भैंस बांधते हैं उनकी दुकान से मैंने ले लिया है, ये अच्छी मिल गई है और इसमें मोटी भी आती है, बट ये मेरा छोटा है इसलिए मैंने पतला वाला लिया है। आप चाहे तो मोटा भी ले सकते हैं जो अगर बड़ी बकेट हो तो, और आप चाहे तो प्लास्टिक की बकेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इसमें ढक्कन है। और उसके बाद ये मेरी बेटी का जो है गाउन था, एकदम नया ही है, कभी एक बार बस पहना था भाई की शादी में, फिर कभी पहना ही नहीं, तो इसको मैंने ले लिया है। इससे मैं गद्दी बनाऊंगी, मतलब कि कुशन बनाऊंगी ऊपर का, और फेविकोल, और उस पहले मैं इसको चिपकाऊंगी इस पे। तो चलिए पहले चिपका लेते हैं फिर जो है गद्दी बनाएंगे बाद में। तो ये मुझे 40 रुपये का एक मिला है, तो मैंने 5 लिए हैं और इसको मैं चिपकाऊंगी इस पे फेविकोल। लेकिन फेविकोल आप इतना ध्यान रखिए कि आप जो फर्नीचर वाला फेविकोल होता है ना वो लीजिए, तभी ये इस पे अच्छे से चिपकेगा। और ना बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, आज इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें क्योंकि मैं वही चीज़ें बताती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हाँ थोड़ा सा आपके बजट में हो। मैं चाहती तो ग्लू गन जो है यूज कर सकती हूँ, बट देखिए मैं ग्लू गन मेरे पास भी नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिया है कि थोड़े बजट में काम हो जाए। तो आप फर्नीचर वाला फेविकोल लीजिए और मैं लेके भी थोड़ा सा चिपका कर फिर मिलती हूँ आपसे। देख सकते हैं मैंने धीरे धीरे करके पूरा चिपका लिया है यहाँ तक, थोड़ा सा ये बचा है, बस इसको चिपकाऊंगी और इसके बाद फिर हम बनाएंगे गद्दी, और तब तक जब तक हम गद्दी बनाएंगे तब तक ये सूख जाएगा, तो इसको अच्छे से चिपका देंगे। और इसके लिए बस एक ही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे जो थोड़ा सा लगा कि हमें ऐसे टुकड़ों में लेने की बजाय इसको किलो में लेना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका पूरा एक ही बार में लग जाएगा, जब जब ये ख़त्म हो जा रहा है और दूसरा वाला आ रहा है तो दोनों को मिला के फिनिशिंग देने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हो गया है, बट वही है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। तो हम इसको ऐसे टुकड़ों में लेने की बजाय इसको चाहे तो हम जो किलो में आता है वो ले सकते हैं, या फिर रस्सी ले सकते हैं जो सुतली आती है वो ले सकते हैं। बट ये मैंने इसलिए लिया था कि इसको ये साफ करना इजी है, इसको हम थोड़ा सा भी धो देंगे तो ये चमक जाएगा। अभी जो थोड़ा सा बचा है मैं उसको चिपका के और उसके बाद फिर मैं गद्दी बनाऊंगी, तब आपसे मिलूंगी। आप देख सकते हैं ये जो जितना ये रस्सी चिपकाने वाला काम था ये मेरा हो गया है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है फेविकोल जो लकड़ी वाला होता है फर्नीचर वाला, तो ये आपको लगाना है, तो ये चिपकेगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। और अब ये वाला इतना हिस्सा बचा है आप देख सकते हैं, तो इस पे तो मैं रस्सी नहीं लगा सकती क्योंकि इसके ऊपर मुझे ढक्कन लगा के इसको बंद भी करना है, तो इस पे मैं करूँगी रेड कलर का पेंट। ये एक्रेलिक पेंट है, कहीं भी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत आसानी से जो है मिल जाएगा आपको, और आई थिंक 20-30 रुपये में ये मिलता है, और आप जिस भी कलर का करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पे करूँगी पेंट, देखिए, और फिर उसके बाद इसको रखूँगी सूखने को, तब बनाऊँगी मैं इसकी गद्दी। पेंट करती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
तो अभी मैंने एक कपड़ा कॉटन का है ये ले लिया है, देखा होगा आपने, मैंने कुशन कवर भी इससे बनाया है। तो इसका मैं बनाऊंगी कवर और इसमें भरेंगे रुई और उसके बाद फिर ऊपर का कवर मैं रेड वाले से बनाऊंगी। और ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन भी वैसे अच्छा लगता है, तो मान लो कभी कवर उवर धुला तो कम से कम ढंग का रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में निकाल के। और इससे बड़ा लेना है वो, तो मैंने कहा 2 इंच का कोन काटने जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने ये ले लिया है। ढक्कन है ये किसी ड्रम का, तो इस पर अभी मैं लगा लेती हूँ निशान। इससे क्या होगा, काटने में जो है आराम आसानी हो जाएगी मुझे, एकदम बढ़िया परफेक्ट राउंड आएगा। और आप देख सकते हैं सच में परफेक्ट राउंड आया है। और साथ के साथ मैं इसमें भी अपने जो कवर बनाना है और साथ के साथ मैं कवर पे भी जो है रख के काट लूँगी। दोनों साथ के साथ करते रहेंगे तो काम थोड़ा सा जल्दी होगा। देख सकते हैं ये कवर है, इस पर निशान लगा लिया है मैंने। लेकिन कवर को हमें हमेशा जितना गद्दी हमने भरी है उससे 1 इंच ज़्यादा, जितनी सिलाई में डालनी है उससे ज़्यादा ही काटना पड़ेगा। तो वो मैं काटूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इस फिलहाल इसको रख के अभी हम सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं और इसको काटते हैं। तो अब हम इसको सिल लेंगे। यहाँ से पूरा सिलाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ छोड़ेंगे खाली बस रुई भरने के लिए। तो मैं सिल के फिर मिलती हूँ आपसे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है भर दिया है और जो है अब इसको जो ऊपर का है वो मैं सिलूंगी। इसको सिलने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे बस करके आपको सिलते जाना है। तो अभी मैंने कुशन में रुई भर ली है, अब मैं इसका कवर बना रही हूँ। इतना निशान मैंने कवर के नाप का लगा लिया है, उससे थोड़ा सा मैंने ऐसा आपको बताया था 1 इंच ज़्यादा मैं काटूंगी क्योंकि मुझे इसको सिल के जो डोरी का नाड़ा बनाने वाला जो है इतना चौड़ा सिलना है कि डोरी का नाड़ा बन मतलब जैसे जाते हैं नाड़ा वैसे चल जाए। तो 1 इंच के अंदाजे से मैं इसको काट रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने आधा आधा इंच लेके सिल लिया है और यहाँ से मैं इसमें नाड़ा डालना शुरू करूँगी। ये जो सलवार में डालते हैं वही वाला है, तो इसमें पहले मैं डाल लूँ अच्छे से। देखिए सबसे पहले मैं नीचे रखा है मैंने ढक्कन उसका डिब्बे का, उसके ऊपर मैंने वो जो गद्दी बनाई थी वो रखी है। अब इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी कवर। अच्छा कवर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इतना बड़ा बनाइएगा कि आपके गद्दी के जब आप डोरी बांधें तो जो गद्दी और ढक्कन लेके नीचे तक जाए, इतना बड़ा कवर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये, इसीलिए मैंने वो नाड़ा वाली बात कही थी। अब इसको मैं ढंग से ऐसे बांध दूंगी और आप जब चाहें इसको खोल के वॉश करके फिर से भर सकते हैं। और अगर आप अलग से कुशन नहीं बना के इसमें डालना चाहते तो इसी में जो ढक्कन के ऊपर रुई या जो आप कपड़ा जो भी डालना चाह रहे हैं डाल दीजिए और इसको जो है इस पर रख दीजिए। अब ये आपका बन के ऑटोमैन रेडी हो गया। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी, फाइनली ये काम मेरा पूरा हो गया। तो ये कुशन अभी टाइट है, जब ये बैठने पर थोड़ा सा हो जाएगा तो ये परफेक्ट एकदम साइज आ जाएगा। मैंने क्या किया है देख सकते हैं आप कि एक राउंड सर्कल सेम साइज़ का काट लिया है जितनी साइज़ का मैंने कवर बनाया था और उसके ऊपर के लिए ये कपड़ा काट लिया है। थोड़ा सा बड़ा काटा है इस सर्कल से क्योंकि मुझे इसको इसमें चिपकाना है, तो मैं इसको चिपका के फिर इसका स्टूल बनाऊंगी उसी पे जो ऑटोमैन बनाया है उसके लिए। चलिए देखिए अभी बहुत सारे यूज होने वाले हैं इसलिए वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो फिर बाद में चीज़ें समझ में नहीं आएंगे आपके। देख सकते हैं ये इस पर मैंने एकदम बढ़िया से चिपका लिया है चारों तरफ से और ये एकदम चिपक गया है। सूख जाएगा तो ये जो थोड़ा बहुत व्हाइट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब चलिए इससे हम बनाते हैं सुंदर सा प्यारा सा स्टूल।
तो अभी आप देख सकते हैं ये ओटोमैन जो है कैसा लग रहा है, और टेबल इतना मजबूत बना है, आप देख सकते हैं कि पूरा उसका लोड ले रहा है, और ये नहीं कह सकते कि जरा सा भी डगमगा रहा है। जो उस दिन मैंने टेबल बनाया था वो आप जाके वीडियो मेरी देख सकते हैं। और ओटोमैन इतना बढ़िया लग रहा है ना कि आप बैठेंगे तो आपको अच्छी इतनी प्यारी फीलिंग आने वाली है। अब मैं इसको आपको एज ए प्लांटर दिखाती हूँ। ये बात तो मैं इसका बताने ही खूबी भूल गई कि आप इसको एज ए स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो सामान है इसमें रखिए और फिर इस पे इसको रख के और फिर इस पर बैठ जाइए। और अगर टेबल की तरह भी यूज़ करना है तब भी आप नीचे इसमें रख के और वो टेबल लगाइए और उस पर फ्लावर पॉट रख दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। लाइट्स जो रखनी है ये सब चीज़ें आप इजिली आपको मिल जाएंगी। तो बस आप देखिए, इसको मैंने एज ए प्लांटर बना दिया है और सेम टेबल पे रखा है। आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, अगर नीचे कॉर्नर पे भी रखेंगे तो भी उतना ही अच्छा लगेगा। और टेबल भी आप देखिए कितना मजबूत बना है, और इसके साथ ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो इसको जो है जो ड्रेसिंग टेबल होता है आपका उस पर ओटोमैन इसके सामने बना दिए। जैसे मैंने उस दिन वो व्हाइट कलर का मिरर बनाया था उसके सामने रेड का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगेगा आप खुद सोच सकते हैं। तो किसी ने भी पूछा था कि दीदी स्टूल बनाओ ड्रेसिंग टेबल के लिए, तो इसको आप एज ए स्टूल भी यूज कर सकते हैं वो ओटोमैन के साथ। और मैं आपको एज ए प्लांटर दिखाती हूँ, सॉरी टेबल। तो अब आप देख सकते हैं, आप अगर टेबल एज ए टेबल इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी इसको कैसे यूज़ करते हैं कर सकते हैं। किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए, ड्रेसिंग के सामने रख दीजिए और लाइट्स ऑन कर दीजिए, बस आपका कमरा एकदम जगमगा उठेगा। अभी एक बार मैं लाइट्स ऑफ करके भी आपको दिखाऊंगी, अच्छा हुआ याद आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने इसको एज ए स्टूल यूज़ किया तो ये आपके बेडरूम का लुक कितना चेंज करने वाला है, और आपको यकीन नहीं होगा। और बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई कमी लगे तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।